नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 21 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के सप्ताह की और आपके साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बता दूं कि ये सप्ताह बड़ा अहम है। अगर ज्योतिष की दुनिया के हिसाब से देखें तो 23 सितंबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा अहम है। इसके अलावा 27 सितंबर को पद्मिनी एकादशी का पर्व है। 27 सितंबर को हम सब पद्मिनी एकादशी का पर्व मना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अलग अलग राशियों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने की संभावना दिखाई देती है। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि 21, 22 और 23 तारीख को उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हालांकि स्थितियां 24 तारीख से थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। इस सप्ताह में कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना बनती है, लेकिन 24 तारीख से इसकी संभावना दिख रही है। नौकरी पेशा हैं अगर, तो इस सप्ताह में ऑफिस में वाद विवादों से बचेंगे और अगर कारोबारी हैं तो कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ी सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। धन की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिला जुला कर आपके लिए ठीक रहेगी। वृष राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत काम के दबाव के साथ दिखाई देती है और ये लगभग पूरे सप्ताह दिख रहा है वर्क का प्रेशर, काम का दबाव। हालांकि धन की स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं और इस सप्ताह में कोई नई चीज़ आप खरीदेंगे, कोई नई परचेजिंग करेंगे, नया घर खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, इस तरह की संभावना भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। अगर आपकी राशि वृषभ राशि है तो आकस्मिक धन का लाभ भी इस सप्ताह में होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह अपने डाइजेशन की, पेट की समस्याओं से सावधान रहना होगा। ऑफिस का मामला, कारोबार का मामला कुल मिला जुला कर आपके लिए ठीक रहेगा। 25 तारीख को वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बेहतर होगा। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक है। पिछले दिनों की समस्याएं इस सप्ताह में काफ़ी हद तक हल हो जाएंगी, काफ़ी हद तक मुश्किलें आपकी दूर होंगी। एक नई शुरुआत इस समय करियर में और जीवन में करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन इस सप्ताह में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सेहत को लेकर थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं और अपने स्वभाव पर, वाणी पर इस सप्ताह में नियंत्रण रखिएगा। अगर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखें। चोट चपेट से इस सप्ताह में बचाव करें और पैसा खर्च करने में सावधानी रखें, क्योंकि इस सप्ताह आपका खर्च बढ़ा रहेगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है। सोमवार का दिन थोड़ा प्रेशर, थोड़ा तनाव दिखा रहा है, तो बेहतर होगा कि 21 तारीख को शांति रखिएगा और छोटी छोटी बातों पर परेशान मत होइए, चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट करना सीखिए। 22 तारीख से स्थितियां बेहतर हैं। किसी मित्र की, सहयोगी की सलाह आपको मिलेगी और वो सलाह आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। इस सप्ताह में करियर के बदलाव से संबंधित रास्ते आपको दिख सकते हैं, करियर के बदलाव से संबंधित रास्ते आपको मिल सकते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। धन की स्थितियां इस सप्ताह में अच्छी हैं, कोई उपहार सम्मान का आपको लाभ भी इस सप्ताह में मिल सकता है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत कोई यात्रा दिखा रही है, छोटी यात्रा, और ये यात्रा आपके लिए कुल मिला जुला कर लाभकारी रहेगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए बढ़िया रहेगी, लेकिन 22 और 23 तारीख को व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। 24 तारीख से स्थितियां ठीक होंगी। रोजगार के और करियर के प्रयास इस सप्ताह में आपके सफल होंगे। इस सप्ताह में पारिवारिक मुश्किलें भी आपकी दूर होंगी और हो सकता है घर में कोई कंस्ट्रक्शन कराएं, कोई रिनोवेशन कराएं, इस सप्ताह में ये संभावना दिख रही है। कन्या राशि, सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में तनाव बहुत दिख रहा है, बेवजह के पारिवारिक वाद विवाद हो सकते हैं, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इस सप्ताह में ध्यान रखिएगा। और ख़ास तौर से 24 और 25 तारीख को किसी तरह का विवाद झगड़ा ना हो, शांति बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा।
करियर के मामले में इस सप्ताह कोई लापरवाही मत करिएगा, वरना नौकरी जा सकती है। और अगर कारोबारी व्यापारी हैं तो इस सप्ताह में व्यापार करने में थोड़ी सावधानी रखें, खासतौर से उधार बांटने में। और अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो इस सप्ताह में वाहन दुर्घटना से, हड्डियों में चोट चपेट से आपको बचना होगा। तुला राशि, ये सप्ताह कोई नई शुरुआत दिखा रहा है आपके करियर के मामले में, और करियर के मामले में निश्चित रूप से आपको फायदा इस समय होने वाला है। लेकिन संतान को लेकर के आपके मन में इस सप्ताह में थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका ऊपर नीचे रहेगा, दौड़ भाग थोड़ी ज़्यादा होगी। पैसे की स्थिति, धन की स्थिति साधारण बनी रहेगी और इस सप्ताह काफ़ी दौड़ भाग का सामना आपको करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत प्रेशर तो दिखा रही है, लेकिन सप्ताह आपके लिए अच्छा है। कोई नई शुरुआत, कोई नया काम करने के बारे में सोचेंगे और आपके करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव, महत्वपूर्ण बदलाव इस सप्ताह में हो सकता है। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए बेहतर समय होगा इस सप्ताह में, उनके विवाह संबंधी समस्याएँ दूर हो जाएंगी, ऐसी संभावना दिख रही है। ऐसा भी लग रहा है कि वृश्चिक राशि वाले इस सप्ताह काफ़ी पैसा खर्च करने वाले हैं अपने काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो काफ़ी पैसा इस सप्ताह में आपका खर्च होगा, उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 सितंबर को आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करना है। धनु राशि की बात करें तो सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर हम 22-23 को छोड़ दें, क्योंकि 22-23 को थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है, मानसिक चिंताएं दिख रही हैं, तो 22-23 को छोड़ करके बाकी सप्ताह आपके लिए अच्छा है। खासतौर से 24-25 तारीख को करियर से संबंधित कोई अच्छी सूचना, कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह में धन का लाभ भी होगा और करियर से जुड़ी हुई कोई अच्छी सूचना भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन हो सकता है कि संतान के जीवन को लेकर के, संतान के करियर को लेकर के थोड़ी चिंता हो, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको प्राप्त होगा और इस सप्ताह में किसी उच्च पद की प्राप्ति होने की संभावना भी दिख रही है। लेकिन 25 तारीख को वाहन चलाने में सावधानी रखेंगे और 25 तारीख को परिवार में किसी तरह के वाद विवाद से बचेंगे। इस सप्ताह में परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक मुश्किलें इस सप्ताह में काफ़ी दिखाई दे रही हैं आपकी किस्मत में। कुंभ राशि की बात करें तो सप्ताह आपके लिए अच्छा है, शुरुआत ही अच्छी हो रही है, चीज़ें काफ़ी बेहतर होती दिख रही हैं और ये सप्ताह आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को रास्ते पे ले आएगा। आपको धन के मामले में बहुत सारे फायदे होंगे, हालांकि थोड़े बहुत खर्चे भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहे हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा, और अगर आप व्यापारी हैं तो कर्ज आपके कम होंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। इस सप्ताह में कोई आध्यात्मिक धार्मिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, इस तरह की संभावना भी कुंभ राशि वालों के लिए दिख रही है। 26 और 27 तारीख को जो कुंभ राशि के लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। सप्ताह की शुरुआत में ही चोट चपेट लग सकती है, नौकरी में दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखिए और इस सप्ताह अपने परिवार में किसी भी तरह के विवादों से बचें। अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, कोई लंबी यात्रा करने जा रहे हैं, तो इस सप्ताह अगर वो काम आप रोकें, लंबी यात्रा पर जाने से बचें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों को सलाह ये है कि कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी राइटिंग में देने से पहले इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी रखिएगा। और अगर आप विवाह संबंधी कोई काम करना चाहते हैं, विवाह संबंधी कोई बात करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। तो आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल हमने आपको बता दिया। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल प्लैनेट पांडे। नमस्कार।